हाई बी वन, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर हॉल वीडियो। सो आज का जो हॉल वीडियो है इट्स गोइंग टू बी ऑन अमेजोन हॉल। इट्स गोइंग टू बी एन अफोर्डेबल हॉल जहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी मैक्सिमम अंडर 500। एंड मैंने काफ़ी कुछ लिया है, कुर्ताज, बॉटम्स, कुर्ता सेट्स एंड बैग्स भी लिए हैं एंड देयर्स अ वॉच एज वेल। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ कलेक्टिव हॉल, कोई स्पेसिफिक हॉल नहीं है। सो सबका जो लिंक है मैं इंडिविजुअल लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगी एंड एक सिंगल लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी जो होगा माय हॉल स्टोर का, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। जो मैंने पहन रखा है कुर्ता सेट, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इफ़ एनीबडी इज इंटरेस्टेड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट है ये बॉटम वेयर दैट आई वुड लव टू शो यू ऑल। सो दिस इज अ रियली नाइस फाइंड अंडर 500 रुपीज़। तो ये तवस्या ब्रांड का है जो कि अमेजोन का खुद का ब्रांड है। इस ब्रांड पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। ये काफ़ी फ्लेयर्ड प्लाजो मिला है जो कि वाइट बेस में आपको ब्लैक कलर का इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाएगा। इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ये बिल्कुल भी नहीं है एंड काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो कि फ्लेयर है। सो ये आप एथनिक वेयर के साथ पहन सकते हैं, बट अगर आप टॉप ट्यूनिक्स के साथ भी पहनना चाहे तो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। दिस इज़ वेरी वेरी क्लासी एंड लुक्स रियली नाइस व्हेन वोन। सो इसे मैंने लिया है एंड इसे मैंने साइज़ लिया है 28। इसका कपड़ा जो है कॉटन का है एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सो इट्स अप्रोप्रिएट फॉर समर। उसके बाद मैंने कुछ कुर्तीज़ लिए हैं। तो फर्स्ट कुर्ती ये है अंडर 500 रुपीज़। तो ये मैक्स का है। मैक्स में बहुत अफोर्डेबल कुर्तीज़ मिलती है जो कि आप कैजुअल वेयर में ऑफिस कॉलेज के लिए पहन सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लाइक रन डेली एरेंड्स तो आप यू नो उसके लिए भी पहन सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ दिस। सो ये भी कॉटन का है एंड आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ग्रीन कलर, लाइम ग्रीन कलर है, ब्राइट कलर है, अप्रोप्रिएट फॉर समर। आई गॉट दिस इन द साइज स्मॉल। सो ये आप नेक देख सकते हो इसका, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट नेक है, राउंड नेक आपको मिल जाएगा। ये 3/4 स्लीव्स में है, स्लीव्स पे आपको इस तरीके का एक डिज़ाइन मतलब टैसल एंड ये बटन मिल जाएगा। एंड इस पे जो भी आप देख सकते हो ये प्रिंट में डिज़ाइन दे रखा है वाइट कलर के प्रिंट में जो दोनों साइड पे आपको मिल जाएगा। सो जितने भी मैं कुर्ताज दिखा रही हूँ वो सब आप परचेज कर सकते हैं, बट इफ़ एट ऑल आपको एक रेडीमेड सेट टाइप का चाहिए तो उसके साथ ये बॉटम वेयर परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्राई ऑन हॉल में देख रहे हैं मैंने यही बॉटम वेयर यूज़ किया एंड हर कुर्ती के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो आपका सेट जो है वो काफ़ी सस्ते में बन जाएगा। उसके बाद मैंने तवस्या ब्रांड का ही ये एक ट्यूनिक टाइप का टॉप या ट्यूनिक बोल लो ये लिया। ये कलर इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा, बट इसका जो मटेरियल है ये पॉली क्रेप का है। सो इफ़ एट ऑल आप समर में से पहनना चाहते हो, अगर आप एसी में बैठे हो तो ही इट वुड बी लाइक फीजिबल कि आप इसे पहनो, वरना आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। सो इफ़ एट ऑल आप ऑफिस जा रहे हो, अगर आपके यहाँ पे ऑफिस चल रहा है एंड एसी ऑफिस है तो फाइन, अदरवाइज तो नहीं चलेगा। बट इट्स अ ब्यूटिफुल यू नो पर्पल कलर एंड इस पे ब्लू कलर का डिज़ाइन बना हुआ है, डिजिटल प्रिंट बना हुआ है, आगे पीछे दोनों की तरफ आपको मिल जाएगा ये। सो काफ़ी यूनिक सा कलर था इसीलिए मैंने लिया एंड ये भी प्लाजो के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने ये पीच कलर की कुर्ती ली है मैक्स ब्रांड की ही, स्मॉल साइज में, एंड ये मतलब थोड़ा सा फेस्टिव टाइप का है, मतलब इतना ज़्यादा सोबर भी नहीं है ये क्योंकि इसमें फॉइल प्रिंट का काफ़ी ज़्यादा वर्क दे रखा है एंड काफ़ी ज़्यादा ही प्रिंटेड है। सो इसके साथ साथ अगर आप यू नो गोल्डन कलर के लेगिंग्स पहनोगे और चुन्नी लोगे तो ये टोटल सेट बन जाएगा, थोड़ा सा लाइट पार्टी वेयर टाइप का। सो 3/4 स्लीव्स है, इसमें प्रिंट वर्क दे रखा है, फॉइल प्रिंट वर्क भी दे रखा है जो कि आपको पूरे के पूरे कुर्ता पे फ्रंट के साइड पर भरा हुआ वर्क मिल जाएगा एंड पीछे ये टोटली प्लेन है। इसका फैब्रिक जो है हल्का सा थिक है, बट समर के लिए डेफिनेटली आप इसे यू नो पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं पहन पाओगे, बट हल्की अगर गर्मी है तो उसमें यू नो आप पहन सकते हो, चल जाएगा। उसके बाद फिर ये रेयन मटेरियल का मैक्स का कुर्ता है। ये शायद कलर्स में भी आता है बट मैंने इसमें रेड कलर चूज़ किया है टू शो यू ऑल। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कुर्ती। ये मतलब यही प्लाजो के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वाइट एंड ब्लैक के साथ भी अच्छा लगेगा एंड इनफैक्ट ऑरेंज अगर आप लेगिंग्स पहनोगे उसके साथ भी अच्छा लगेगा। तो इस पर जो भी वर्क आप देख सकते हो, प्रिंट वर्क दे रखा है, इसका जो फैब्रिक है रेयन का ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, दिस कैन बी वोन इन समर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, 3/4 स्लीव्स में है एंड आपको आगे पीछे दोनों की तरफ प्रिंट मिल जाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड यू नो बारीक प्रिंट दे रखा है इसमें। सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैंने जो कुर्ता सेट लिया है ये मतलब
पूरा का पूरा सेट अंडर 500 था, बट ये भी पॉलीक्रेप का मटेरियल है. सो सेम थिंग, अगर आप एसी में बैठे हो ऑफिस में तो डेफिनेटली आप ये परचेज कर सकते हो, समर में पहन के जा सकते हो. बट काफ़ी अगर गर्मी होगी बिना एसी के कोई इसे नहीं पहन पाएगा बिकॉज पॉलीक्रेप का मटेरियल है. सो ये जो कुर्ता आप देख सकते हो ब्राइट येलो कलर का है. तो कुर्ते के बारे में बता दूँ कि ये मतलब नेक आप देख सकते हो हल्का सा डिफरेंट टाइप का नेक है, एंड इसमें भी फॉइल प्रिंट वर्क बना हुआ है आगे आप देख सकते हो, एंड देन 3/4 स्लीव्स आपको मिल जाएंगे. ये जो प्रिंट वर्क है ये नीचे तक बना है. कुर्ते की फिट की बात करें कुर्ता और पैंट्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिटिंग का है, एंड इसका जो पॉलीक्रेप का मटेरियल है ये बहुत ही ज़्यादा थिन है. सो इट इज़ लाइक वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर. एंड देन ये पैंट्स आते हैं जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है. उसके बाद मैंने बैग्स लिए हैं जो कि अगेन अंडर 300 है, एंड ये अच्छे रेटिंग वाले बैग्स थे. सो मैंने रेटिंग देख के लिया था, एंड इसमें शायद आपको कलर्स भी मिल जाएंगे, ब्लैक पिंक इस तरीके के कलर्स मिल जाएंगे, बट ये वाइट थोड़ा सा ज़्यादा क्लासी लग रहा था तो इसीलिए मैंने ये वाइट लिया. प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैग है, एंड ये ऐसा बैग है कि आप अगर डेली के लिए इस्तेमाल करना चाहोगे तो ये काफ़ी अच्छा है. मतलब कोई इसे देख के ये नहीं बोलेगा कि ये मतलब 300-400 का बैग है. इट लुक्स रियली नाइस एंड बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी सा बैग है. क्वालिटी भी इसकी सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप क्लोजअप भी देख सकते हो इसका, एंड इसके जिप की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. मैं आपको एक बार ये दिखा दूँ. सो इसकी जिप की भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड इस ब्रांड के आपको बहुत सारे बैग्स बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल जाएंगे. सो यू हैव दिस वन कंपार्टमेंट हियर, एंड देन दूसरा कंपार्टमेंट यहाँ पे आपको दो जिप मिल जाएंगे, एंड देन यहाँ के लिए आपको एक छोटा सा जिप मिलेगा. सो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है साइज़ के हिसाब से, इसमें बहुत सारा सामान फिट होगा. सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड इंडियन वेस्टर्न दोनों के साथ जाएगा. आप चाहे तो दूसरे कलर्स में भी परचेज़ कर सकते हैं. उसके बाद मैंने ये मेकअप पाउच लिया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था. सो दिस हैज़ अ लॉट ऑफ कंपार्टमेंट्स, एंड ये आप यहाँ पर मतलब चाहो तो यहाँ पर आई लाइक यू नो आईज़ की चीज़ें रख सकते हैं, यहाँ पे फेस, यहाँ पे लिप्स, एंड देन वॉट एवर यू वॉन्ट टू कीप ओवर हियर. एंड ये कुछ इस तरीके से बंद हो जाता है. सो ये इस तरीके से बंद हो जाता है, एंड इसमें मतलब आप काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें सेग्रीगेट करके रख सकते हैं. क्वालिटी वाइज इट सीम्स टू बी गुड, क्योंकि इसका जो मतलब मटेरियल है हल्का सा है, बट देन इसके जिप काफ़ी अच्छे हैं एंड अटक नहीं रहे हैं. सो आई वुड रिकमेंड दिस एज वेल. ये फर्स्ट टाइम मैंने कोई तो चैनल पे कोई तो एक्ट्रेस का देखा था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, एंड शी हैड गॉट अ समवेयर फ्रॉम आउटसाइड. तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चीज़ें सेग्रीगेट की हुई है एंड मेकअप पाउच में ही है. सो आई थॉट दैट आई वॉन्ट समथिंग लाइक दैट फॉर माई सेल्फ. सो फाइनली आई गॉट इट, तो मैंने ये लिया. उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये बहुत ज़्यादा क्यूट सा बैग लिया है, ये मिनीसो का बैग है. मिनीसो पर बैग्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत क्यूट बैग्स मिलते हैं, एंड क्वालिटी भी बैग्स की अच्छी होती है. तो इसमें एक और कलर अवेलेबल था शायद, ब्लैक था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ये क्रॉस बॉडी बैग जैसे भी आप ले सकते हैं, मतलब स्लिंग बैग जैसे भी आप ले सकते हैं, इसे स्लिंग बैग जैसे ले सकते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक कलर, एंड इसमें आपको यहाँ पर जिप मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा जिप है. एंड देन यहाँ पर भी आपको आप फ़ोन, लिपस्टिक, सनग्लास, हल्का सा मतलब छोटा सा सनग्लास, एंड यू नो फ़ोन एंड वॉट एवर छोटी छोटी चीज़ें आप रख सकते हैं यहाँ पे. तो जीन्स लाइक फ्लेयर जीन्स एंड बेसिक टॉप के साथ अगर आप स्नीकर्स पहनोगे तो इस तरीके के बैग्स कैरी कर सकते हो. एंड लास्ट जो मैंने लिया है, ये मैंने डैनियल क्लाइन का एक वॉच लिया है. ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सा यू नो गिफ्टिंग ऑप्शन भी है. सो ये अच्छा लग रहा था दिखने में, एंड इसमें भी आई थिंक कलर्स अवेलेबल थे. सो इसका जो आप पैटर्न देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का बड़ा वाला डायल है, एंड देन यू हैव दिस, एंड इसके साथ ना आपको एक मैग्नेटिक क्लास्प भी मिलता है. सो ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है, एंड इसलिए मैंने ये लिया. आई थिंक इसमें शायद एक रोज़ गोल्ड टाइप का कलर भी था, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, एंड काफ़ी मतलब कॉर्पोरेट वेयर के लिए भी अच्छा है, एंड प्लेन कुर्ती अगर आप पहनो तो उस पर भी अच्छा लगेगा. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस वॉच. सो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं, एंड दैट कम्प्लीट्स माई हॉल. डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये कलेक्टिव हॉल कैसा लगा, एंड इफ एट ऑल आप ऐसे
से हॉल वीडियोस देखना चाहोगे तो आई वुड लव टू डू दिस फॉर यू ऑल. अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी ताकि मुझे आप लोगों की पसंद अच्छे से पता लगे एंड मैं उस तरीके की और चीज़ें आगे हॉल वीडियोज़ में दिखा पाऊँ. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू लाइक मी एंड माई कंटेंट. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.